नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सिंह आपका स्वागत करता हूँ एसएससी मेकर के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे रीजनिंग के 5 अति महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, हम आपके लिए रीजनिंग पार्ट वाइज करा रहे हैं, मैथ पार्ट वाइज करा रहे हैं, और पार्ट वाइज में दोस्तों हम उन प्रश्नों को शामिल करते हैं जो सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं, जो एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न होते हैं, जो बार बार आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसलिए दोस्तों, एग्जाम से पहले पहले आप मैथ और रीजनिंग के दोस्तों सारे पार्टों को जरूर देख लीजिएगा। तो आइए दोस्तों, देखते हैं पहला प्रश्न। देखिएगा दोस्तों, ये रहा आपका पहला प्रश्न। और पहला प्रश्न दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा गया प्रश्न है। इस टाइप के दोस्तों प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। सिंपल तरीका दोस्तों बता रहा हूँ सॉल्व करने के लिए, बहुत ही आसान तरीका। और एक बात और बता दूं दोस्तों, ये रीजनिंग का पार्ट नंबर 162 है, ध्यान दीजिएगा। तो चलिए पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, लुप्त संख्या मतलब क्या बोल रहे हैं, मिसिंग नंबर, संख्या एक जगह गायब है, उसी की पहचान करना है। कहां पे गायब है दोस्तों, यहां पे देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह है। इसी प्रश्नवाचक चिन्ह पे आपको बताना है कौन सी संख्या होगी। तो दोस्तों, ऐसे फिगर वाले जब कभी भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, आप संख्याओं को ध्यान से देखेंगे, संख्याएं कैसी हैं। कहने का मतलब देखिए, 5, 6, 12, 4, 3, 4, 2, 3 प्रश्नवाचक चिन्ह, 18, 27, 96। अगर ध्यान से दोस्तों संख्याओं को देखेंगे तो संख्याएं नीचे की तरफ बढ़ी है। कहने का मतलब, यहां देखिए इस लाइन में अगर ऐसे हम मैं बोलूं दोस्तों तो क्या होगा, इसमें देखिए सबसे बड़ी संख्या क्या है, 18 है। इस वाले लाइन में दोस्तों देखेंगे तो क्या है, यहां पे देखिए 27 बड़ी है। इस वाले लाइन में दोस्तों देखेंगे तो यहां पे देखेंगे 96 बड़ी संख्या है ना। तो आप क्या करेंगे दोस्तों, इस प्रश्न को कैसे सोचेंगे, आप ऐसे सोचेंगे ऊपर से नीचे की तरफ। कहने का मतलब है दोस्तों, ये जो 5 है 4 है 2 है, इसको आप क्या करें कि यहां पे 18 हो जाए, ठीक है। तो देखिए 5, 4, 2 को 18 करना है। तो अगर मैं बोलूं देखिए 5, 4 को 20, 20 में से क्या करिए, 2 माइनस कर दीजिए, क्या होगा, 18 होगा। इसी प्रकार से 6, 3, 18 और 18 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या होगा, 15 होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है दोस्तों, 27 दिया है। तो हम प्रश्न को ऐसे सॉल्व नहीं करेंगे, अब हम कुछ अलग तरीके से सोचेंगे। अलग तरीका क्या है दोस्तों, इन्हीं संख्याओं से ही सोचना है। अगर मैं बोलूं दोस्तों इन दोनों संख्याओं को आप जोड़ दीजिए, 5, 4 क्या होगा दोस्तों, 9 होगा, 9 होगा ना। उसके बाद क्या करिए दोस्तों, गुना कर दीजिए। तो 9 दुना क्या हो जाएगा दोस्तों, जब गुना कर देंगे तो यहाँ पे देखिएगा, अगर इसको गुना कर देंगे तो क्या होगा, 9 दुना के 18 हो जाएगा। देखिए 18 यहां पे दिया हुआ है। ठीक इसी प्रकार से आगे वाले को देखिए, क्या ऐसे सॉल्व हो रहा है कि नहीं। देखिए 6, 3 को जोड़ देंगे तो क्या होगा दोस्तों, 6, 3, 9, और 9 में क्या करेंगे, 3 से गुना कर देंगे, तो 9, 3, 27। देखिए यहां पे 27 दिया हुआ है, दिया हुआ है ना। ठीक इसी प्रकार से इसे भी करेंगे, 12 और 4 को क्या करेंगे दोस्तों, जोड़ देंगे, 16 होगा। 16 में कितना से गुना कर दे कि 96 हो जाए, बताइए। 16 गुने क्या होता है, 6, 16 6 के 96 होता है। यानी प्रश्नवाचक चिन्ह पे हम क्या रखे हैं, 6 रखे हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, 6 होगा। 6 देखिए किस ऑप्शन में, देखेंगे ऑप्शन नंबर डी में है आपका। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और एक बात और बता दूं दोस्तों, लास्ट में हम आपसे एक प्रश्न भी पूछेंगे, प्रश्न टेस्ट के तौर पर रहेगा, होमवर्क के तौर पर रहेगा, जिसका आंसर सभी दोस्तों को कमेंट करके बताना है। सारे दोस्तों जितने भी इस वीडियो में क्वेश्चन लिया हूँ, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया हूँ, सिलेक्टिव क्वेश्चन लिया हूँ, और एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों को लिया हूँ, इसलिए वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। देखिएगा दूसरा क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। प्रश्न है, नीचे दिए गए वेन आरेखों में से, देखिएगा वेन आरेख में से कौन सा आरेख डॉक्टर महिला तथा पुस्तक से संबंधित है। डॉक्टर महिला और पुस्तक के बीच संबंध बताना है। देखिए वेन डायग्राम से रिलेटेड दोस्तों आपके एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन आएगा तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, मैं आपको आसान तरीका बता रहा हूं, पहले भी बता रहा हूं फिर से बता रहा हूं। देखिएगा इसमें किसके किसके बीच आरेख बनाना है दोस्तों, डॉक्टर और महिला और पुरुष, सॉरी पुस्तक, क्या है दोस्तों, डॉक्टर महिला और पुस्तक के बीच। अब आप क्या सोचेंगे दोस्तों, आप देखेंगे इन तीनों शब्दों में एक दूसरे से ये तीनों शब्द कैसे संबंधित है। डॉक्टर कौन होता है, महिला कौन होता है, पुस्तक क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, महिलाएं में से कुछ महिलाएं डॉक्टर भी होती हैं, और पुस्तक का संबंध दोस्तों डॉक्टर या महिला से नहीं है, इसलिए पुस्तक क्या होगा, अलग होगा। इसको वेन डायग्राम से कैसे प्रदर्शित करेंगे दोस्तों, देखिए यहां पर क्या होगा दोस्तों, मान लीजिए महिला का सर्कल हो गया, महिला में से क्या होगा,
कुछ महिलाएं डॉक्टर होती हैं, सभी महिलाएं नहीं होती है, कुछ महिलाएं डॉक्टर भी होती हैं। उसके बाद से ये जो पुस्तक है दोस्तों, ये क्या होगा, अलग हो जाएगा। इसका संबंध, पुस्तक का संबंध डॉक्टर या महिला से नहीं है। यानी इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा, जैसे बनाया हूं दोस्तों इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। तो अब देखिए इस प्रकार से किस ऑप्शन में दिख रहा है, देखेंगे ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। आपका ऑप्शन नंबर डी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं दोस्तों, समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न है, दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ पे एक श्रृंखला चल रही है और यहाँ पे क्या है दोस्तों, एक संख्या गायब है, यहीं पे बताना है कौन सी संख्या होगी। इसके लिए क्या करेंगे दोस्तों, श्रृंखला से रिलेटेड कभी भी क्वेश्चन आएगा तो क्या करेंगे, श्रृंखला के संख्याओं को आप ध्यान से देखेंगे, श्रृंखला कैसे चल रही है। कहने का मतलब है 3 है, 11 है, 38 है, 102 है, प्रश्नवाचक चिन्ह है 443 है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अभी देखेंगे तो आंसर आ जाएगा। देखिए 3 से 11 हुआ कितना बढ़ा दोस्तों, 3 से 11 हुआ तो कितना बढ़ा, 8 बढ़ा। 11 से दोस्तों क्या हो गया, 38 हो गया। 11 से 38 हो गया तो 38 में से 11 दोस्तों घटाएंगे तो क्या मिलेगा आपको, 27, यानी 27 बढ़ा। 38 से दोस्तों 102 हो गया, यहाँ पे कितना बढ़ा दोस्तों, 102 में से 38 घटाएंगे तो 12 में से दोस्तों 8 जा 4 हो जाएगा, फिर 9 में से 3 जा 6 64। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये जो 8 है ना, ये 2 का क्यूब है, ये 27 है ना, 3 का क्यूब है, ये 64 है ना, 4 का क्यूब है। समझ रहे हैं ना कैसे बढ़ रहा है, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब। आगे दोस्तों कितना बढ़ेगा बताइए, आगे यहाँ पे 5 का क्यूब बढ़ेगा, 5 का क्यूब मतलब 125, 125 102 में जोड़ेंगे तो दोस्तों क्या होगा, 102 125 जोड़ेंगे तो 227 होगा। क्या होगा दोस्तों यहाँ पे, 227, यानी यहाँ पे क्या होगा, 227। और आगे भी थोड़ा सा चेक कर लीजिए, देखिए चेक कैसे करेंगे, आगे कितना बढ़ेगा दोस्तों, 6 का क्यूब, 6 का क्यूब क्या होता है दोस्तों, 216, 6 × 6 × करेंगे 6 × 3 ना, 6 × 6 = 36, 216 होगा। तो 216, 227 में 216 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 443 होगा, होगा ना। तो आपको पता होना चाहिए कि प्रश्नवाचक चिन्ह पे क्या होगा दोस्तों, 227 होगा। देखिए 227 किस ऑप्शन में है, देखेंगे ऑप्शन नंबर बी में है। आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और क्वेश्चन दोस्तों आपको अच्छे लगे हैं, समझ में आ रहे हैं, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। आपके पास जितने भी दोस्तों स्टडी रिलेटेड ग्रुप हो उस ग्रुप में वीडियो को शेयर भी जरूर करिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, चौथा क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न है, दी गई श्रृंखला में कौन सी संख्या गलत है। दोस्तों यहां पे भी एक सीरीज चल रही है, श्रृंखला चल रही है, इसमें आपको बताना है कौन सी संख्या गलत है। गलत संख्या कैसे पहचान करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, श्रृंखला के संख्याओं को ध्यान से देखेंगे। ध्यान से देखिए, 3 है, 8 है, 23 है, 69 है, 203 है, 608 है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, देखिएगा मैं समझा रहा हूं कैसे। देखिए अगर मैं बोलूं आप दोस्तों यहाँ पे 3 × 3 कर दीजिए तो 9 होगा, 9 में से 1 कम कर लीजिए क्या हो जाएगा, 8 होगा। फिर इधर भी देखिए, 3 × 3 कर लीजिए, -1 कर लीजिए, 8 × 3 = 24 होगा, 24 में से 1 कम करेंगे 23 होगा। अब फिर से क्या करिए, 3 − 1, 23 × 3 = 69 होगा, 69 में से 1 कम करेंगे 68 होगा। लेकिन यहाँ पे दिया क्या है दोस्तों, 69 दिया है, यहाँ पे होना क्या चाहिए, 68 होना चाहिए। अगर मैं बोलूँ दोस्तों 68 × 3 कर लीजिए, -1 कर लीजिए, 68 × 3 दोस्तों करेंगे तो 204 होगा, 204 में से 1 कम करेंगे 203 दिया हुआ है। ठीक इसी प्रकार से आगे 3 − 1 करेंगे, 203 × 3 करेंगे तो यहां पे 609 होगा, 609 में से कम करेंगे 608, 608 दिया है। तो बताइए गलत संख्या कौन सी है, गलत संख्या दोस्तों 69, जो 69 है ना दोस्तों ये गलत है। यहां पे होना क्या चाहिए था दोस्तों, 68 होना चाहिए था, होना चाहिए था ना, क्योंकि 23 × 3 करेंगे तो क्या होगा, 69, और 69 में से कम करेंगे 68, लिख दिया 69, इसलिए श्रृंखला का गलत संख्या क्या होगा, 69, 69। देखिए 69 किस ऑप्शन में, देखेंगे ऑप्शन नंबर बी में है। आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों चलते हैं, देखिएगा। और एक बात और बता दूं दोस्तों, अगर आप मैथ बेसिक से 0 लेवल से और चैप्टर वाइज पढ़ना चाहते हैं तो आप एग्जाम फिनिशर वाले चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा। एग्जाम फिनिशर का लिंक दोस्तों मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया हूं, आप यूट्यूब पर भी सर्च कर सकते हैं।
एग्जाम फिनिशर, उस चैनल पे जाके दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए ताकि वहां पर मैं जितनी भी इंपॉर्टेंट वीडियो दूँ उसके आपको नोटिफिकेशन मिले। दोस्तों वहां पर मैं वीडियो देना कंटिन्यू कर दिया हूँ, इसलिए दोस्तों आप उस चैनल से जरूर जुड़ जाइए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये रहा आपका पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न हम आपको बता दें दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और इस टाइप के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए पेन उठाने की जरूरत नहीं है, मात्र दोस्तों 2 से 3 सेकंड लगते हैं ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने में। ठीक है, देखिए आपको जो त्रिभुज ये काउंट करना है, आपको काउंट करने की भी जरूरत नहीं है, टोटल नहीं काउंट करना है, इसके लिए शॉर्ट ट्रिक है। शॉर्ट ट्रिक क्या है, पहले प्रश्न पढ़िए। प्रश्न कह रहा है नीचे दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज है, कितने त्रिभुज है। त्रिभुज क्या होती है दोस्तों, 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज बोलते हैं, 1 भुजा 2 भुजा 3 भुजा, यानी इस प्रकार से जो इमेज बनता है ना उसे हम क्या बोलते हैं, त्रिभुज बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए अब मैं यहाँ पे पहले एक छोटा सा बेसिक चीज समझा दूं, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। इसमें दोस्तों बताइए इसमें कितने त्रिभुज है, बताइए कितने त्रिभुज है, इसमें बताइए कितने, एक त्रिभुज है, आप बोलेंगे एक। ठीक है, इसमें कितने त्रिभुज है दोस्तों, बताइए इसमें, आप बोलेंगे 1 2, और उसके बाद से दोस्तों एक बड़ा वाला। बड़ा वाला कहने का मतलब जिसके अंदर ये त्रिभुज बन रहे, कहने का मतलब ये, समझ रहे हैं ना, ये वाला 3, समझ रहे हैं कैसे, एक बार और समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे समझ लीजिए आप, अगर जो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आपका कभी प्रश्न गलत नहीं होगा। इसमें देखिए एक, अब अगर इसमें एक लाइन खींच दिए तो इसको कैसे काम करेंगे, 1 2, ठीक है, यानी कि एक ये वाला, एक सेकेंड पार्ट वाला दूसरा, और तीसरा कौन दोस्तों, जिसके अंदर ये दोनों त्रिभुज बने हैं, यानी कि ये जो बड़ा वाला त्रिभुज है एक ये वाला होगा, होगा कि नहीं, समझ में आ रहा है ना, एक ये वाला, टोटल कितना हो गया 3। इसको ट्रिक से कैसे निकालेंगे, 1 2 लिखे है ना, तो 1 + 2 कर लीजिए, 1 + 2 क्या होगा दोस्तों, 3 होगा, समझ रहे हैं। अगर दोस्तों यही फिगर है इसमें एक और लाइन खींच दे तो क्या करेंगे, 1 2 3 ऐसे काउंट करेंगे, तो 1 + 2 + 3 जोड़ लेंगे, समझ रहे हैं। देखिएगा 1 2 3 3 3 6, इसमें कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, समझ गए ये चीज। तो चलिए यहाँ पे काउंट करिएगा, अभी बता रहा हूँ, 1 2 3 4, तो इसको क्या करिए दोस्तों, आपस में सबको जोड़ लीजिए, जोड़िए कितना होगा, 1 2 3 3 3 6 6 4 10, जोड़ने पे कितना आया दोस्तों, 10। अब देखिए ये क्या किया है दोस्तों, इसमें 3 पार्ट में कर लिया है, एक पार्ट देखिए यहाँ पे किया है, तो यानी 10 यहाँ पे हो गए, फिर दोस्तों क्या होगा, 10 इसमें हो जाएगा, 10 इसमें हो जाएगा, जितने पार्ट में होगा दोस्तों समझिएगा, आप 10 गुने उतना कर लेंगे, 3 पार्ट में किया है तो 10 गुने 3 कर लेंगे, टोटल त्रिभुजों की संख्या क्या होगी दोस्तों, 30 होगी। देखिए 30 किस ऑप्शन में है, देखेंगे ऑप्शन नंबर आपका किसमें है, पहले में, आपका ऑप्शन नंबर पहला दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। एक बार और समझाता हूं, देखिएगा 1 2 3 4, आप इसको जोड़िए, 1 + 2 + 3, 1 2 3 3 3 6 6 4 10, जोड़ने पे कितना आया दोस्तों, जोड़ने पे कितना आया है, 10 आया है, और कितने पार्ट में डिवाइड किया है दोस्तों, 1 2 3, टोटल कितने है देखिएगा, 1 ये 2 और ये 3, 3 पार्ट में है तो 10 × 3 कर देंगे, आंसर क्या होगा दोस्तों, 30 होगा। अगर ये दोस्तों और एक पार्ट में डिवाइड करते तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 4, तो आप क्या करेंगे, 10 × 4 कर लेंगे, एक पार्ट में और कर दे दोस्तों डिवाइड, तो ये क्या करेंगे दोस्तों, देखिएगा तब क्या करेंगे दोस्तों, बताइएगा, तब आप बोलेंगे 10 × 5, यानी कि 50, समझ रहे ना, जितने पार्ट में दोस्तों ये डिवाइड करेगा उतने गुना कर देना है। ठीक है, और जो ऊपर से लाइन गिरती है उसको क्या करेंगे, 1 + 2 + 3 + 4 ऐसे काउंट करेंगे, एक और लाइन गिरा दे 2 + 5 कर लेते, समझ गए ये चीज। तो ऐसे प्रश्न आए तो पेन उठाने की जरूरत कभी भी नहीं है दोस्तों, आप बस करेंगे 1 2 3 4, तो देखिए 1 2 3 3 3 6 6 4 10, और 3 पार्ट में किया है तो 10 × 3 30, 2 से 3 सेकंड में आंसर, पूरा गिनने की जरूरत भी नहीं है और आपका आंसर भी सही हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। और एक बात और बता दूं दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लीजिएगा, फेसबुक पेज से भी जुड़ जाइएगा, टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम पे जाके एसएससी मेकर सर्च करके आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। और देखिएगा चलिए अब अगला क्वेश्चन होमवर्क का क्वेश्चन है, टेस्ट का क्वेश्चन है, ये आज का प्रश्न है, इसका आंसर सभी दोस्तों को कमेंट करके बताना इसका सही आंसर क्या होगा। जिन दोस्तों को नहीं पता है वो रीजनिंग का पार्ट नंबर 161 देख लेंगे, पार्ट नंबर 161 का क्वेश्चन नंबर 5वां है, पार्ट नंबर 161 में दोस्तों इसको फुल डिटेल में मैं समझाया हूं, इस टाइप के प्रश्नों को कैसे बिना पेन उठाए सेकंडों में सॉल्व किया जाता है। पार्ट नंबर 161 आपको मिलेगा कहां दोस्तों, इसका लिंक यहां ऊपर आई बटन पे दे दिया हूं दोस्तों, यहां आई बटन पे क्लिक करके आप डायरेक्ट पार्ट नंबर 161 देख सकते हैं। एक बात और बता दूं दोस्तों, जो नए स्टूडेंट हैं उनके लिए बता दूं,
दोस्तों ये पंचम पब्लिशर की बुक है, आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप दोस्तों रेलवे की एग्जाम देंगे, एसएससी की एग्जाम देंगे या अदर आप दोस्तों कोई सा भी गवर्नमेंट एग्जाम देंगे। दोस्तों इस ई बुक को आप लेंगे कहाँ से, इसका लिंक दोस्तों मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, उस लिंक पर क्लिक करके इस ई बुक को आप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आपको डाउनलोडिंग या पेमेंट से किसी प्रकार की समस्या भी होती है तो ये पंचम पब्लिशर का कस्टमर केयर नंबर है, इस नंबर पर आप कॉल करके बात भी कर सकते हैं। इस ई बुक को दोस्तों मैं खुद देखा हूँ, इसमें जो प्रश्न दिए गए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट दिए गए हैं, जो बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए दोस्तों एग्जाम से पहले पहले इसी बुक को एक बार लेके आप जरूर पढ़ लीजिएगा। और ये वीडियो दोस्तों आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए ताकि आपको डेली सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।